है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ग्रेड बी की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। इससे पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि आपको नोटिफिकेशन की जानकारी दी थी, सारी जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड की थी। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी भर्ती निकली उसके बारे में। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, ठीक है, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो कि आईबीपीएस का है, आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। 28/1 से आप 15/2 तक आवेदन कर सकते हैं। एडिट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं 15/2 तक। यहाँ पे लास्ट डेट प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 2/3/2021। ऑनलाइन फी पेमेंट करने की तारीख आ रही 28 से लेकर 15 तक आप आवेदन कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए आईबीपीएस का जैसे रहता है वैसे ही हमें रजिस्ट्रेशन करना है। सिंपली इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपको दे सकते हैं पहले आपको फर्स्ट नेम, आपको उस तरीके से मिडिल नेम, आपको लास्ट नेम आएगा, दो बार लिखने को होगा। यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो नाम शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर जैसे आप यहाँ पे देंगे जहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे आपको करना हो, इस कैप्चा को फिल करना हो। तो ये तो बेसिक है, ये सब आप कर लेंगे। इसके बाद हमारा फोटो सिग्नेचर डिटेल प्रीव्यू अपलोड और पेमेंट का रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने को आ रहा है। यहाँ पे आपको जो गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर की मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपको प्रॉपर एक गाइडलाइंस दे रखी है किस तरीके से अपलोड करना है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपके फोटोग्राफ के इमेज के बारे में आ रहा है, सिग्नेचर के बारे में आते हैं, 20 से 50 KB का आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा इमेज सिग्नेचर होगा वो भी 20 से 50 का आपको दे रखा है, ठीक है। जो कि लेफ्ट थंब आपका इंप्रेशन है इसके 20 से 50, ठीक। यहाँ पे आपको सिग्नेचर है, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट के बारे में दे रखा है, तो आप यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिग्नेचर में स्कैन फोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड करना है। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करें, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जनरल ऑफिसर के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, जिस कैटेगरी से आप हैं उसको बताएं, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे आपको आपको ये बताना कि आप फिजिकली डिसेबल हैं, यस या नो कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आ रही है उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको यहाँ बताना है आपको ब्लाइंड है, लोअर विजन है, इसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। इसी तरीके से जो भी आपके यहाँ पे आ रहा है इसे सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे आपको उस तरीके से ये आ रहा है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके बाद देखना है, डू यू नीड टू कंपल्सरी टाइम टू एंड द टाइम एग्जामिनेशन, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद जो कि आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पे आपको डिपेंड करे, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आ रहा है इसके टाइम के बारे में, यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो जो भी आपकी टाइप की डिसेबिलिटी हो उसके हिसाब से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे आर यू सफरिंग फ्रॉम, आपको इसके बारे में देखिए यस या नो करना है। आर यू डू यू नीड टू कंपल्सरी टाइम एग्जामिनेशन, यस या नो कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपका एक्टिवेट हो जिस टाइप की डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। वेदर यू डोमिनेट, आपको राइटिंग स्पीड आपका कोई इफेक्टेड है, आपका स्पीड जो लिखने में कोई प्रॉब्लम है, यस या नो कर सकते हैं। If you need, do you need to compulsory time to examination, yes या no कर सकते हैं। आपको स्क्राइब की जरूरत है जो आपकी सहायता करे लिखने में, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे yes या no कर सकते हैं। आपको जैसा रहेगा, क्या आपके do you have MPhil qualification, यहाँ पे yes या no करने का है तो वो यहाँ पे आपको करना है। Do you have possess doctorate degree PhD, MPS या no कर सकते हैं, ठीक है। Do you fall under the एक सर्विसमैन कैटेगरी इमरजेंसी, यहाँ पे आपको एस या यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी आ रही है एक सर्विसमैन, इमरजेंसी, कम्बाइंड ऑफिसर, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपको बताना है। शॉर्ट सर्विस कम्बिनेशन जो आपका आ रहा है ऑफिसर है उसकी, ठीक है। हैव यू रेंडर्ड द लीस्ट 5 ईयर मिलिट्री सर्विस, यहाँ पे 1 जनवरी 2021, तो उसके बारे में यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। आर यू रिजर्व बैंक इंडिया के एम्प्लॉई हैं, यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ यू यस तो पीएफ इंडेक्स नंबर, एम्प्लॉई आईडी नंबर आपको यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। डू हैव प्रायर ईयर एक्सपीरियंस इन एनी ऑफिस कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। इफ यू यस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कंप्लीट, यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी।
डू हैव आर पॉसेस मास्टर डिग्री इन रिसर्च विद टीचिंग और रिकॉग्नाइज्ड एट फॉर इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी, इसके बारे में यहाँ पे आएगा, तब यहाँ पे जैसे अनो करना पड़ेगा, ठीक है, आपके वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से भर रहे हैं। इफ यस ईयर और सर्विस क्वासी गवर्नमेंट का आपका ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्री अंडरटेकिंग PSU आ रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे यस यू नो करें। इसकी यस करने बाद देखिए ये मेरा एक्टिवेट हो गया है। इफ हैव यू इन्फर्म राइटिंग हेड ऑफ HOD, ठीक है, तो उसके डिपार्टमेंट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, क्या आपने इनको इन्फॉर्म किया है राइटिंग में, लिखित में यस या नो करना है, ठीक है, अगर इन्फॉर्म किया तो यस, ठीक। आर यू एक्स एम्प्लॉय और बैंकिंग इंस्टीट्यूट, आपको यस या नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हैव यू अपियर्ड 6 टाइम्स ऑन फेस 1 एग्जामिनेशन पोस्ट और RBI पोस्ट, यहाँ पे यस या नो अपने अनुसार से कर सकते हैं, ठीक है। नेशनलिटी यहाँ पे आपको बतानी है इंडियन, यहाँ पे आपको स्टेट आपको बताना है जो कि फेस 1 एग्जामिनेशन बिलोंग टू, जिस आपको चाहते हैं आपका हो तो उसका आपको सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कि सेंटर ऑफ फेस 1 एग्जामिनेशन के बारे में आप देख सकते हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं हिसार सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर 2 फेस एग्जामिनेशन के बारे में आ रहा है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें भोपाल, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने अनुसार से यहाँ पे सेलेक्ट करें जो को आपको जो कंफर्टेबल है। पर्सनल आपको जो डिटेल में देखिए डेट ऑफ बर्थ आ रहा है इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पे एक जो कि काउंट हो जाएगी, आपको जेंडर मेल फीमेल है, यहाँ पे आपको मैरिज शादीशुदा है यानी उसके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए फादर मदर का नाम, स्पाउस का नाम और एड्रेस 1 आ रहा है तो उसकी जानकारी दें, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको आ रहा है बताना है, स्टेट यहाँ पे बताना है, पिन कोड बताना है, सब जानकारी देने के बाद यहाँ पे पिन इस पर सेम एड्रेस सेम है तो उस पर नीचे इस पर क्लिक कर दो तो नीचे का आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद आपको वैलिड योर डिटेल आ रहा है, यहाँ पे आपको वैलिड योर डिटेल पे देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन है सारी चेक कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने बाद आपको लगता है कहीं गलती नहीं है तो उसके बाद फाइनल में सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीव्यू और अपलोड डॉक्यूमेंट है वो करने होंगे, जो कि आप यहाँ पे जो जो आपके डॉक्यूमेंट मांगे हैं उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट रह जाएगा पेमेंट का, उसके बाद पेमेंट का आपको करना होगा। तो इस तरीके से ये है आपका ये फॉर्म है, इस फॉर्म को फिलअप करना है, बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, या आपको कोई डिफिकल्टी होती है फॉर्म भरने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में या किसी में भी पूछ सकते हैं अपना, या फिर आप जानकारी के लिए हमें हमारे सोशल मीडिया से जोड़ सकते हैं दिए गए आपके नीचे लिंक पर। फ्रेंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।